चुनाचे एक और अमेरिकन नौजवान था, उसका अजीब गरीब वाकया है कि दफ्तर में काम करता था तो उसको दफ्तर की एक अमेरिकन लड़की पसंद आ गई। वो बेचारा उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। अब वो चाहता था कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, मगर वो अंग्रेज लड़की मानती नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हालत इतनी अजीब हुई कि इसको यूं लगता था कि बस पूरी दुनिया में अगर कोई मेरा मकसद है तो मैंने इस लड़की से शादी करके रहना है। इसने उससे बात की कि तू जो शर्त लगाएगी मैं कबूल करूंगा, शादी मैंने तुझसे करनी है। लड़की ने अपने वालिदैन से बात की। लड़की के वालिद ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, मगर चंद बातें उससे हम मनाएंगे। कौन सी बातें? पहली बात ये कि शादी के बाद ये वापस अपने मुल्क पाकिस्तान कभी नहीं जाएगा। लड़का मान गया। तुम अपने वालिदैन से कभी राबता नहीं करोगे, ये भी मान गया। तुम्हारे जितने मुसलमान दोस्त हैं तुम उन सब से बेतलकी इख्तियार कर लोगे, लड़का इस बात को भी मान गया। फिर जिस एरिया में तुम रहते हो वहाँ अपना घर छोड़ के जहाँ लड़की के माँ बाप का घर है जो ईसाइयों की आबादी थी वहाँ तुम अपना घर लोगे, लड़का ये भी मान गया। फिर उनका कि अच्छा हम जब खाने के लिए जाएंगे तो जो कुछ हम खाएंगे वो तुम्हें भी खाना पड़ेगा, जो हम पिएंगे तुम्हें भी पीना पड़ेगा, लड़का ये शर्तें भी मान गया। फिर उन्होंने एक शर्त आखिरी लगाई, हम हफ्ते में एक दफ़ा चर्च जाते हैं संडे के दिन, हमारे साथ तुम संडे के दिन चर्च में जाया करोगे, लड़का ये बात भी मान गया। पागल हुआ होता है ना जैसे वो लड़का पागल हुआ था। तो बहरहाल लड़की के माँ बाप ने इजाज़त दे दी और इसकी अमेरिकन लड़की से शादी हो गई। शादी होते ही इसने अपना घर बदला और अचानक गायब हो गया। न दोस्तों को पता न घर वालों को पता कि कहाँ गायब हो गया है। बहुत अरसा गुजर गया, समझ ही नहीं लगती थी। अल्लाह की शान देखें कि 2 साल इस तरह ये लड़का गायब रहा। 2 साल के बाद एक दिन इमाम साहब मस्जिद में फजर की नमाज के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ये लड़का भी मस्जिद में दाखिल हुआ और इसने फजर की नमाज पढ़ी। फिर इमाम साहब से बात हुई तो इमाम साहब ने कहा भाई कहाँ गायब हो गए, 2 साल से आपको देखा ही नहीं, आज आप अचानक बरामद हो गए हैं कहीं से। कहने लगा जी मैं मस्जिद की बजाय कमरे में बैठ के स्टोरी सुनाऊंगा। इमाम साहब मस्जिद के कमरे में ले आए। इसने कहा जी कि मेरे ऊपर ऐसा गलबा था उस लड़की का इश्क का कि मैं कहता था कि जो मर्जी हो जाए मुझे इस लड़की से शादी करनी है। उन लोगों ने ये सारी शर्तें मुझसे मनवाई और मैंने मान ली। शादी के बाद मैंने अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब उसको तो दीन से कोई गरज नहीं थी, वो इसको हफ्ते में एक मरतबा चर्च ले जाती और शॉपिंग करती और अपना सैर सपाटा इधर उधर, इस बीच पे जा रहे हैं उस बीच पे जा रहे हैं, वही काफराना जिंदगी इसकी भी हो गई। कहने लगा कि 1 साल हमने इसी तरह गुजार लिया। 1 साल के बाद एक दिन बीवी ने घर की सफाई की तो मेरे घर में एक किताबों का रैक बना हुआ था जिसमें किताबें पड़ी हुई थी, उनमें एक कुरान मजीद भी रखा हुआ था जिस पर सब्ज रंग की जिल्द चढ़ी हुई थी। मैं रोज आते जाते उस कुरान मजीद के ऊपर मोहब्बत की नज़र डालता था और अपने दिल में नादिम और शर्मिंदा होता था। मैं नफ्स का गुलाम हूँ, ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं अपने अंदर की खराबी की वजह से इस लड़की की खातिर सब कुछ छोड़ बैठा हूँ, मगर ऐ अल्लाह ये तेरी किताब है
और मेरा ईमान तेरे ऊपर पक्का है और मैं कुरान को सच किताब मानता हूँ। कहते ये मेरा रोज का मामूल था, मैं पढ़ता नहीं था कुरान, सिर्फ आते जाते मोहब्बत की एक नज़र डालता था और अपने दिल में अपने आप को मुजरिम समझता था और दुआ करता था, और मेरे पास नदामत के सिवा और कुछ था भी नहीं। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ वो मुझे सब किताब नज़र नहीं आई। तो मैंने बीवी से पूछा कि एक ग्रीन किताब यहाँ पड़ी थी, वो कहाँ गई? उसने कहा मैंने घर की सफाई की थी, और वो फालतू किताबें जिनको ना आप पढ़ते हैं ना मैं पढ़ती हूँ, मैंने उन सब किताबों को ट्रैश कर दिया है। मैंने पूछा क्या मतलब? कहने लगी उनको मैंने ट्रैश कैन के अंदर बाहर फेंक दिया है। कहते ये सुनते ही तो मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया, अल्लाह की किताब और उसको इसने ट्रैश कैन के अंदर फेंक दिया। मैं भागा हुआ गया और मैं ट्रैश कैन से कुरान मजीद उठा के लाया और उसे चूमा और उसे वापस आकर रखा। अब मेरी बीवी जिद करके बैठ गई, तुम इस किताब से मोहब्बत का क्यों इजहार कर रहे हो? मैंने कहा ये कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। कहने लगी अच्छा, अभी तुम्हारे अंदर मुसलमानी कुछ बाकी है? मैंने कहा हाँ, शादी तुम्हारे साथ की है, अपना ईमान तो मैंने तुम्हें नहीं बेचा। वो कहने लगी अच्छा, या कुरान को इस घर में रखो या फिर मुझे इस घर में रखो। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो ये मेरा पर्सनल मामला है, तू इस पे इंटरफियर ना कर, हम अच्छा जिंदगी गुजार रहे हैं। लड़की को पता था कि मैं इसकी कमजोरी हूँ। कहने लगा कि उसने ब्रीफ केस बनाया, कहने लगी कि मैं अब घर जा रही हूँ, वालदेन को जाके बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी इस्लाम बाकी है, तुम मुसलमान हो। तो वो तो अपने माँ बाप को बताने चली गई और मैं फिर उसको छोड़ के मस्जिद में आ गया, अपने रब को मनाने के लिए आ गया। और जो कुरान मजीद की थोड़ी सी मोहब्बत उस बच्चे के दिल में थी, उसकी वजह से अल्लाह ने उसका ईमान बचा लिया। फिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और इस्लामी जिंदगी को दोबारा अपना लिया और एक अच्छा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने लग गया। तो बचपन में जो बातें सीखी होती हैं ना, वो फिर बचपन में भी नहीं भूला करती, डीप रूटेड होती हैं। इसलिए बचपन में बच्चे की तरबियत करना इंतहाई ज़रूरी काम है। हमने बैरून मुल्क में एक बात अजीब देखी कि पाकिस्तानी नौजवान बाहर मुल्क चले जाते हैं, बहुत जल्दी शराब पीना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी सुअर का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी बदकारी का इरतकाब शुरू कर देते हैं, इस किस्म की बुराइयाँ बहुत जल्दी अपना लेते हैं। मगर वो जितने मर्जी शराबी कबाबी बन जाएं, इस्लाम से नहीं हटते, अपने आप को कहते मुसलमान हैं। चुनाचे मुझे एक बंदा मिला अमेरिका में, मैंने पूछा आपका नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम मो है। अब मैं हैरान कि भाई मो नाम क्या है? तो पता चला कि माँ बाप ने नाम मोहम्मद रखा था। ये चूंकि अब शराबी कबाबी बन गया यहाँ आके, तो इसे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे शराब खाने में कोई मोहम्मद के नाम से पुकारे, तो इसने लोगों को कहा जी मेरा नाम मो है। अब इस कदर गाफिल बंदा जो अपना नाम भी मो कहलवाता है और उल्टे सीधे कामों में लगा हुआ है, ईमान इसके भी दिल में है। मैंने उससे बातचीत की तो मुझे महसूस हुआ कि ईमान तो अल्लाह पे बड़ा पक्का है इसका, ज़रा हटने को तैयार नहीं। तो फिर अंदाज़ा हुआ कि बाकी आदतें इसने बड़े होके सीखी थीं, शराब नहीं पीना, बदकारी नहीं करना, सुअर का गोश्त नहीं खाना, जो इसने खुद सीखी थी इसे आराम से छोड़ दी। और जो बात बचपन में माँ ने सिखाई थी कि बेटा अल्लाह है जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने दीन को भेजा, ये चूंकि बचपन में माँ ने सिखाई थी, ये इतनी डीप रूटेड थी कि बच्चा उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।